Assalamualaikum मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स एंड वेलकम टू फ्लेवर्स लाउंज एंड आई होप यू ऑल आर वेल फाइन हेल्दी एंड सेफ। तो आज ही मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल्स जो कि हैं बहुत ही सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं। एज अ स्नैक आप इसको यूज़ कर सकते हैं चाय के साथ, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं तो और ये बनाने भी बहुत आसान हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आसान तरीके से स्प्रिंग रोल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ले लिया ऑयल। ऑयल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही, इसमें ऑयल मैंने जस्ट यूज़ किया है 1 टेबल स्पून। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैंने ले ली जिंजर और गार्लिक मैंने ग्रेट कर ली, उसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया। ये मैंने डाल दी 3 चम्मच जिंजर, 1.5 टीस्पून और गार्लिक भी 1.5 टीस्पून। ये डाल के मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी जब तक कि ये थोड़ा अपना कलर चेंज कर ले। अदरक और लहसुन का अब कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। चिकन मैंने ले लिया बोनलेस आधा किलो। आधा किलो चिकन को मैंने पतला पतला बिल्कुल बारीक कतलों में काट लिया। इसको मैंने लंबाई में थोड़ा काटा है और इसको मैं इतनी देर के लिए भून लूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसका कलर चेंज हो गया है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को कवर करने से ये होगा कि इसमें जो पानी है उसी के अंदर चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। और अब ये चिकन गल गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनियंस मैंने लिए हैं रेड वाले। एक मीडियम साइज़ का अनियन मैंने बारीक काट लिया, आप चाहें तो ब्राउन यूज़ कर लें। इसमें मैं अभी डाल रही हूँ 3 अदद ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून मैंने ले ली चिली फ्लेक्स। डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और जब तक के प्याज और तमाम मसाले आप इसमें अच्छी तरह से पक जाएं। ये आप तमाम मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पगेटीज को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और इनको मैंने इतना बॉईल किया कि ये तकरीबन फुल कुक हो गई थी, क्योंकि इसको मैंने चिकन के अंदर ज़्यादा नहीं कुक करना, बस इसको मिक्स करके ये रेडी हो जाएगा। स्पगेटीज मैंने ले ली तकरीबन 1 कप। ये मैंने ले लिए 3 अदद आलू, इनको मैंने बॉयल करके ग्रेट कर लिया। ग्रेट करके मैं इसको बस डाल रही हूँ इसमें सोया सॉस मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। सोया सॉस डालने के बाद आलू और स्पगेटीज और सोया सॉस को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। 3 अदद आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया बॉयल करके और फिर इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि स्प्रिंग रोल्स में जो चंक्स से होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए ग्रेटेड जो हैं वो ज़रा ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब इधर ये मसाला हो गया तैयार, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इधर मैं अलादा से एक पेस्ट बना लूँगी मैदे का मैंने ले लिए 3 चम्मच मैदा, उसमें मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ पानी ताकि इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। पेस्ट हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो।
स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए मैं ये वाली शीट्स यूज़ कर रही हूँ। रेडीमेड शीट्स ज़रा इजीली अवेलेबल भी होती हैं और स्प्रिंग रोल्स बनाना भी इजी हो जाता है और क्रिस्पी और ज़्यादा मज़े के लगते हैं, इसलिए मैं इनके लिए ये शीट्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ये शीट्स फ्रोज़न यूज़ कर रही हैं तो फिर आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए पहले बाहर रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसके बाद आप इसको यूज़ करें। इनको खोलने के बाद आप ज़्यादा देर के लिए इनको बाहर ना रखें क्योंकि ये फिर ड्राई हो जाते हैं। अगर आपने थोड़ी आपको देर है तो फिर आप इनको कवर करके रखें। और इसको खोलने के बाद मैं इसको क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं सब शीट्स को लादा करके रख देती हूँ ताकि काम हमारा फिलिंग हमारी जल्दी से हो जाए। अब मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ जिससे आप स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग कर सकते हैं। आप तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लें फिलिंग, जो चिकन फिलिंग हमने बनाई है उसको साइड से ऐसे रैप करके इसका कोना उठा के इसको आप रैप करते जाएं और एंड पे जो हमने अभी फ्लावर का पेस्ट बनाया था वो आप लगा लें और ये स्टिक हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी शीट को बिल्कुल सीधा रखें और उसके ऊपर सेम अमाउंट आप डाल लें चिकन मिक्सचर की, एक तरफ से फोल्ड करके फिर दोनों साइड से उसको बंद करके फिर एंड तक आप उसको फोल्ड कर लें और एंड पे आप लगा दें पेस्ट जो कि हमने अभी बना के रखा था ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। आपको इनमें से जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से इनको कर सकते हैं। अब मैं बारी बारी ये सब करके रख दूँगी। ये जी हमारे रोल्स की हो गई है फिलिंग। अब मैं इनको क्या करती हूँ कि मैं इनको एक जिप लॉक बैग में डाल के ये फ्रीज कर लेती हूँ। एक साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, तो जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए आप उसको मीडियम फ्लेम पे आप इनको फ्राई करें। फ्लेम बहुत हाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर आपकी जो पट्टी है वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगी, अंदर वाली जो लेयर्स हैं वो उसकी सही तरह से कुक नहीं होंगी, इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करें। तो ये तो थे जी हमारे क्विक एंड ईजी चिकन स्प्रिंग रोल्स। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।